शक्ति ने पूरे देश को प्रेरित किया है। आमचे जळगाव हे तर वारकरी परंपराचे तीर्थ आहे। महान संत मुक्ताईची ही भूमि आहे। उनकी साधना, उनका तप आज की पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा है। बहिणाबाई की कविताएं आज भी समाज को रूढ़ियों से बाहर निकल सोचने के लिए मजबूर करती है। महाराष्ट्र का कोई भी कोना हो, इतिहास का कोई भी कालखंड हो, मातृशक्ति का योगदान अप्रतिम रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को किसने दिशा दी? ये काम माता जिजाऊ ने किया। जब समाज में बेटियों की शिक्षा, बेटियों के कामकाज को महत्व नहीं दिया जाता था, तब सावित्रीबाई फूले आगे आई। यानी भारत की मातृशक्ति ने हमेशा समाज और राष्ट्र के भविष्य को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और आज जब हमारा देश विकसित बनने के लिए मेहनत कर रहा है, तो फिर से हमारी मातृशक्ति आगे आ रही है। मैं अपने सामने देख रहा हूं, महाराष्ट्र के आप सभी बहनें कितना अच्छा काम कर रही है। तुमच्या सगळ्यामध्ये मी राजमाता जिजाऊ आणि सावित्रीबाई फुलेची छाप पाहतो। साथियों, जब मैं लोकसभा चुनाव के दौरान आपके बीच आया था, तब मैंने कहा था कि हमें 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। यानी 3 करोड़ ऐसी बहनें, और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती है, जिनकी 1 साल की कमाई 1 लाख रुपए से अधिक होगी। बीते 10 वर्षों में 1 करोड़ लखपति दीदी बनी, और बीते 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने में 11 लाख और लखपति दीदी उसमें जुड़ गई, नई बन गई। याद सुद्धा 1 लाख नवीन लखपति दीदी याद आपल्या महाराष्ट्रात तयार झाले आहेत।